व्हाट्सअप एवरीवन, मॉर्निंग कास्ट एंड वेलकम टू वाइस टेक। यहाँ पे गाइस फाइनली जैसे कि आप जानते हैं कि वन प्लस वॉच अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। यहाँ पे गाइस एमआई बैंड 6 भी यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च है, लेकिन बोथ वियरेबल्स में फाइनली इसका न्यू ओटीए अपडेट आ चुका है, जिसके थ्रू कुछ यहाँ पे मिसिंग फीचर्स थे वो इसमें यहाँ पे गाइस फाइनली अराइव कर दिए गए। ऑलरेडी सेंसर तो थे लेकिन वो फीचर्स यहाँ पे इसमें अराइव नहीं किए थे, उनके बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली इस अपडेट के थ्रू फाइनली इसे फिक्स किया गया और यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेटेड न्यू फीचर्स आए न्यू अपडेट के थ्रू बोथ वियरेबल्स में। यहाँ पे आगे में इस रिलेटेड डिटेल्स में बात करेंगे, सो उसके लिए आप देखते रहिए और अगर आप नए हैं तो न्यूज़ सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल दस वीक नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस वन प्लस वॉच जिसमें यहाँ पे एक न्यू ओटीए अपडेट आया है, जिसमें यहाँ पे एओडी को यहाँ पे बारे में बात चल रही है, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यानी कि गाइस वन प्लस वॉचेस में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे आप जानते होंगे कि अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइसिंग जस्ट $159 है, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सारे फीचर्स है। वन प्लस ने सारे फीचर्स के बारे में बात किया था, लेकिन इसमें कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं था, जो कि यहाँ पे एओडी कोड नेम के साथ आता है। यहाँ पे गाइस इस समय जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि ट्रेंड्स में चलती हैं, उसमें यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर रहता है, लेकिन वन प्लस वॉचेस में फीचर नहीं रहता। लेकिन वन प्लस वॉचेस कह ली गाइस यहाँ पे एक FAQ यहाँ पे Q&A के थ्रू यहाँ पे फाइनली कंफर्म किया है कि यहाँ पे इसके जो OTA अपडेट्स आने वाला है या फिर जो आया है, इसमें यहाँ पे AOD को फीचर रहेगा, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल में रहेगा। जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्या होता है कि लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम को चेक करने के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर रहता है, जो कि यहाँ पे 50% बैटरी को तो वही ड्रेन कर जाता है। लेकिन वन प्लस का मानना यह है कि हमें यहाँ पे अपने वॉचेस में लॉन्ग लास्टिंग बैटरी फीचर रहनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा वन प्लस की, जैसे गाइस यहाँ पे वॉचेस होती है तो आपको गाइस यहाँ पे वन प्लस में अगर आप वॉचेस में टाइम एंड डेट को देखना चाहते हैं तो आपको इसके साइड में एक बटन रहती है, उसको आपको प्रेस करना रहता है, उसके प्रेस करने के बाद इसका डिस्प्ले ऑन होता है और आपको देखना रहता है। लेकिन इसमें अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर रहेगा तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे गाइस इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर रहेगा तो आप वॉचेस पहने तो अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो गाइस यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, यानी कि जब आपकी मर्जी चाहे तब आप इसे ऑन करके डेट एंड टाइम देख सकते हैं और जब आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। इससे ज्यादा बैटरी भी ड्रेन नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे गाइस बेसिकली यहाँ पे वन प्लस वॉचेस में OTA अपडेट के थ्रू एक न्यू फीचर आया है, जिसमें यहाँ पे कस्टमाइजेबल है इसका जो रिप्लाई सिस्टम है प्रीसेट वाला, वो आपको कस्टमाइजेबल मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा कि डायरेक्टली आप किसी मैसेजेस के यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉचेस के थ्रू। यहाँ पे जब लॉन्च हुई थी तो क्या हुआ था कि टाइपिकल फंक्शन में आप अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड मैसेजेस को इसमें देख सकते थे, लेकिन अब अपडेट के थ्रू इसमें जो कस्टमाइजेबल है यहाँ पे इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने जो मैसेजेस उसको यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप उसका कोई इंटरफेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस यही कुछ OTA अपडेट के थ्रू वन प्लस वॉचेस में न्यू फीचर्स आया था, जो कि यहाँ पे 14 मार्च से फाइनली इसकी सेल लगना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे गाइस आप डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे गाइस ये बस एंड्रॉइड से कंपैटिबल है, जहाँ पे गाइस एंड्रॉइड के यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं वन प्लस हेल्थ ऐप के थ्रू। यहाँ पे गाइस अब हम बात करते हैं Xiaomi MI Band 6 का अपडेट। यहाँ पे गाइस इसमें एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें यहाँ पे स्लीप ब्रीदिंग क्वालिटी ट्रैकिंग का फीचर इंक्लूडेड किया गया है। आप जानते हैं कि जब Xiaomi MI Band 6 लॉन्च हुआ था तो इसमें यहाँ पे SpO2 सेंसर फीचर था, जिसकी मदद से क्या होता है कि SpO2 सेंसर इसका यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेजरमेंट करता है। लेकिन जब इसका OTA अपडेट या फिर एक न्यू अपडेट आया है तो इसमें उसी सेंसर की मदद से स्लीप ब्रीदिंग क्वालिटी को अब ये मेजर करेगा और आपको इससे रिलेटेड जो ट्रैकिंग से जो इसका हेल्थ से रिलेटेड डाटा है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली गाइस यहाँ पे MI Fit ऐप में इसका न्यू वर्जन 5 आया है, 5.00 वर्जन है, जो कि यहाँ पे आपको अपडेट मिल चुका होगा। इसके मदद से गाइस यहाँ पे इसका कुछ यूजर एक्सपीरियंस और यहाँ पे कुछ जो नोन बग्स हैं उनको भी फिक्स किया गया है। यहाँ पे गाइस यही कुछ है Xiaomi MI Band 6 का न्यू अपडेट, जो कि यहाँ पे काफी कमाल का स्मार्ट बैंड है, जिसमें 30 स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड्स हैं, 580 एम वाटर रेजिस्टेंट है, 125 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, जो कि यहाँ पे 14 डेज का प्लेबैक देती है और जस्ट $35 इसकी प्राइसिंग है। तो काफी बेस्ट स्मार्ट बैंड है, जिसमें यहाँ पे Xiaomi काफी सारे इसके बग को भी फिक्स कर रहा है और यहाँ पे न्यू फीचर जो कि यहाँ पे मिसिंग थे उनको इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये कुछ है यहाँ पे वन प्लस वॉच एंड यहाँ पे Xiaomi MI Band 6 का न्यू अपडेट, जिसमें काफी सारे न्यू फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है और यहाँ पे काफी बेस्ट भी लगा। सो आई होप मैंने आपको वन प्लस वॉच एंड यहाँ पे MI Band 6 के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आया था इसके बारे में जो भी डिटेल बताया आपको पूरी तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप में चपना है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं।